राजीव जी आज हमारे बीच में नहीं, जिंदा होते तो 74 ईयर्स के होते। राजीव जी के जाने से न सिर्फ नेहरू गांधी परिवार को क्षति पहुंची है, लेकिन उससे भी ज्यादा पूरे देश को क्षति पहुंची है। हजारों साल नरगिस अपने बेहूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन की दावत करना। ऐसी हस्तियां बार बार जन्म नहीं लेती, और जब भी जन्म लेती है तो कुछ करने के लिए, समाज को कुछ देने के लिए, राष्ट्र को कुछ देने के लिए, देश को कुछ देने के लिए पैदा होती है। और वही हम आज राजीव जी के बारे में कह सकते हैं। जब जब भी राजीव जी की याद आती है, जब जब भी राजीव जी का नाम आता है, तो उन्होंने जो टेक्नोलॉजी मिशन की बात की थी, चाहे वो कम्युनिकेशन में हो, चाहे वो कंप्यूटर में हो, चाहे वो ऑयल फील्ड के बारे में हो, चाहे वो इरिगेशन के बारे में हो, चाहे वो मिल्क प्रोडक्शन के बारे में हो, और चाहे बाकी चीज़ों में हो, चाहे वो इम्यूनाइजेशन में हो, और उसके साथ साथ जिस तरह से यूनो में बाकी जगह वर्ल्ड लेवल पे अफ्रीका फंड की उन्होंने बात की थी, निःशस्त्रीकरण की जो बात की थी, और उसके साथ साथ जो हमारे युवा है उनको मताधिकार की बात की थी, और हमारी जो बहनें हैं उनको आरक्षण की लोकल बॉडीज में बात की थी, पंचायत को डिवोल्यूशन ऑफ द पावर की बात की थी, जिसे विकेंद्रीकरण कहते हैं सत्ता का। वो विकेंद्रीकरण की जो सत्ता है सिर्फ दिल्ली में नहीं रहनी चाहिए, लेकिन जो हमारे विलेजेस है, हमारे जो गांव है, जो गरीब आदमी है वहां तक पहुंचनी चाहिए। और वही स्वप्न राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का भी था। उन्होंने कहा था कि जो आज़ादी हमें मिली है वो सच्ची आज़ादी नहीं है। सच्ची आज़ादी तो तब मिली, हम कह सकते हैं कि जब आज़ादी का प्रकाश गरीब की झोंपड़ी तक पहुंचे, हर एक के पास खाने के लिए अन्न हो, अपना पेट भरने के लिए, पहनने के लिए वस्त्र हो, और रहने के लिए सर पे छत हो, ये होगा तब मैं मानूंगा कि इस देश पर सच्ची आज़ादी आ रही है। इसी दिशा में राजीव जी ने प्रयास किए, वो उन्होंने काम करके दिखाया। सिर्फ प्रचार में मानते नहीं थे, सिर्फ पब्लिसिटी में मानते नहीं थे, सब सिर्फ मीडिया मैनेजमेंट में मानते नहीं थे। कम समय में बहुत कुछ उन्होंने करके दिखाया। उन्होंने 21वीं सदी की जब बात की थी वो जानते थे, और उन्होंने कहा भी था कि मैं युवा हूँ, मेरा देश भी युवा है, युवाओं की जो संख्या है ज्यादा है मेरे देश में, और मैं चाहता हूँ कि मेरा देश ऐसा ताकतवर हो, मजबूत हो, सशक्त हो, कि जो किसी प्रकार की भी चुनौतियों का सामना कर सके। वो दुनिया में हमारे देश का नाम या जो महासत्ताएं हैं, जो बिग पावर्स है, उनके कंपेरिजन में हमारे देश को रखना चाहते थे। उन्होंने कहा था कि अतीत भले ही पश्चिम का हो, लेकिन आने वाले जो कल है पूर्व की है। हमारी जो स्पर्धा होगी जापान और चीन से होगी, और ऐसे हालत में अभी से देश को तैयार करना है, और देश को तैयार करना होगा तो हमारे युवाओं को आगे बढ़ाना होगा। उन्होंने हमेशा यही केंद्र में रखा, और 6 साल में जो करके दिखाया, चाहे वो निःशस्त्रीकरण हो, चाहे वो अफ्रीका फंड हो, चाहे टेक्नोलॉजी मिशन हो, चाहे युवाओं को मताधिकार की बात हो, चाहे महिलाओं को आरक्षण की बात हो लोकल बॉडीज में, चाहे वो पंचायत को पावर देने की बात हो, ये सारे काम बहुत ही टूक समय में, वो हमेशा आने वाली कल का सोचते थे, 21वीं सदी का सोचते थे। आज के दिन हमें संकल्प करना चाहिए, तो उनके जो स्वप्न थे, बहुत स्वप्न थे जो अधूरे रह गए हैं, उनको हम खासतौर पर हमारे युवा साथी हैं देश के, उनको याद करते हुए कि जब जो लोग आज सत्ता में हैं, जो जो कांग्रेस के नेताओं ने काम किया उसे भुलाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे हालात में हमें देश की जनता को याद कराना होगा कि कांग्रेस ने और कांग्रेस के नेताओं ने जो काम किया है वो रचनात्मक काम किया है, देश को आगे बढ़ाने का काम किया है, सिर्फ प्रचार और पब्लिसिटी का काम नहीं किया है। और मेरे ख्याल से आज हम संकल्प करें कि उन नेताओं ने जो काम किए थे, जो अधूरे हैं, उनको हम आगे बढ़ाएं, उनके स्वप्न पूरे करें, और आज जो झूठ फैलाया जा रहा है, असत्य फैलाया जा रहा है, उसको हम उजागर करें, तो ही मेरे ख्याल से राजीव जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। धन्यवाद। जय हिंद।